Hey, what's up guys, this is Bayarshit back and with yet another demanding video. Today I will going to explain the difference between sigma and pi bond. Yaar basically kya hota hai, sigma bond mein axial or head on overlapping hoti hai aur pi bond mein sidewise or parallel overlapping hoti hai. To ise kya hai, sabse pehle hum log orbital ka structure dekhenge. Ye basically s orbital ka structure hai, ye p orbital ki aur ye d orbital ki. फर्स्ट डिफरेंस क्या है, इसमें एस 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 पी और पी पी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी. तो एस एस से क्या है, एस एस हेड ऑन, ये एस एस हेड ऑन ओवरलैपिंग है. ठीक, एस पी कैसे होता है, ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये आपका हो गया एस पी ओवरलैपिंग. ये हेड ऑन, देखिए हेड से हेड मिल रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग. और सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग ऐसे, ये पीपी ओवरलैपिंग, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग के एग्जांपल हैं. इसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है. और फिर इसमें पैरेलल ओवरलैपिंग में देखते हैं क्या होता है, इसमें पाई बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, पाई बॉन्ड्स. तो इसमें पी पी ओवरलैपिंग होती है, पी डी ओवरलैपिंग होती है, डी डी ओवरलैपिंग होती है. पी पी ओवरलैपिंग इसमें भी होती है और इसमें भी होती है. डिफरेंस क्या है, जो पाई बॉन्ड में पी पी ओवरलैपिंग होती है वो ऐसे होती है, लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड में पी पी ओवरलैपिंग होती है वो ऐसे होती है. देखिए ऐसे, इसमें पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ये पी पी ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल है. और आप पूछेंगे पी डी ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल, तो पी डी ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल ये है, ये रहा आपका, ये पी है, ये डी है, ये पी डी ओवरलैपिंग, ठीक है. और फिर डी डी ओवरलैपिंग कैसे होगा, तो डी डी ओवरलैपिंग ऐसे होगी, ये डी डी ओवरलैपिंग. फर्स्ट डिफरेंस नाइसली एक्सप्लेन है. सेकंड देखते हैं, इसमें जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा होती है. बेसिकली आप इससे समझ सकते हो कि यार देखो, जब ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है ये पाई बॉन्ड में, तो इसकी इतना ही एरिया मिल रही, इतना ही एरिया, लेकिन जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो ये पूरा इतना कवर कर सकता है, ये इतना कवर कर सकता है. मतलब इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में ज़्यादा हो रही है, लेकिन इसमें बेसिकली कम हो रही है. यही एक्सटेंट ऑफ, इसमें यही लेस होती है, इसमें मोर होती है. और इसमें बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर फॉर्म होते हैं सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में, और इसमें लेस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं. तो यार बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो जाहिर सी बात है बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है तो क्या, बॉन्ड लेंथ कम होती है. बॉन्ड लेंथ कम होगी, जैसे आप ये समझ सकते हो, ये सपोज़ करिए ये शार्पनर है, तो ये ऐसे बॉन्ड लेंथ है, तो इसको हमको ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाने पड़ेगी. तो वही जो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगाई जाती है, बेसिकली उसे बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं. तो इसीलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ कम होगी, और ये मोर स्टेबल बॉन्ड होगा. यार बेसिकली छोटा है तो टूट नहीं पाएगा जनरली, और ज़्यादा स्टेबल रहेगा. यही बेसिकली ये एक्सप्लेन किया हुआ है. एक्सटेंड और ओवरलैपिंग लेस होती है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया. लेस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इसलिए होता है कि बॉन्ड लेंथ इज़ लॉन्ग. बॉन्ड लेंथ, ये सपोज करिए इतना बॉन्ड लेंथ है, ये लॉन्ग है, तो ये ईजिली ब्रेक हो जाएगा इन कंपेरिजन टू दिस. तो यार बेसिकली बॉन्ड लेंथ इसमें बॉन्ड एनर्जी लेस होगी, क्योंकि ये इजिली ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ लॉन्ग होगी, समझ रहे हो ना. और ये लेस स्टेबल होगी. यार जब इजिली ब्रेक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी बहुत कम रहेगी. और यार ये बेसिक टर्म आप याद कर लेना, इसे मेमोराइज कर जाओ, कि इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो 85 किलो कैलोरी पर मोल से अधिक होती है, और इसकी नियर अबाउट 65 किलो कैलोरी पर मोल के नियर अबाउट होती है. और यार ये ओनली वन सिग्मा बॉन्ड कैन बी फाउंड बिटवीन टू एटम्स, और वन और टू पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड. यार बेसिकली एग्जांपल जैसे देख लो, O2 है, हम लोग कन्वेंशन में क्या होता है, पहले बॉन्ड को हम लोग सिग्मा एज्यूम करते हैं, सेकंड को पाई, ठीक है. तो इसमें बेसिकली जहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड भी आ रहा है, पाई बॉन्ड भी आ रहा है. ये एलॉन नहीं आ रहा, लेकिन ये हमेशा एलॉन आता है, जैसे H2 के केस में ये हमेशा एलॉन आ रहा है. और फिर जैसे यहाँ भी देख सकते हो एग्जांपल, पहला बॉन्ड को सिग्मा लेते हैं, दूसरा पाई, तीसरा पाई, ये एलॉन नहीं आ रहा है सिग्मा के से, मतलब जो
पाई बॉन्ड होती है वो कभी भी अलोन नहीं आएगी, वो हमेशा सिग्मा के साथ प्रेजेंट होगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर पाई बॉन्ड रोटेशन अबाउट सिग्मा इज पॉसिबल, यार बेसिकली आप ये देख सकते हो, सपोज करिए हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है जो कि सिग्मा बॉन्ड का एग्जांपल है, तो इसमें रोटेशन हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, रोटेशन इज पॉसिबल। लेकिन सपोज करिए अगर हम आपको ये सिग्मा बॉन्ड का एग्जांपल दे रहा हैं, इसमें रोटेशन कैसे पॉसिबल है, ऐसे रोटेट करेंगे तो ये टूट जाएंगे, ये बॉन्ड्स होंगे ओवरलैपिंग के वो टूट जाएंगे, तो यही बेसिक डिफरेंस हो जाए, इसमें रोटेशन पॉसिबल होती है, इसमें पॉसिबल नहीं होती है। यार बस ये बेसिकली इतना ही कॉन्सेप्ट था, अब यार जाओ, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।